फ्रेंड्स आज है ध्वनि का रिजल्ट। तो ध्वनि आर यू एक्साइटेड? यस। कितना एक्साइटेड फ्रेंड्स को बताओ? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो? पास होगी फेल होगी? पास होगी। ये कह रही है फ्रेंड्स आपके सामने बोल रही है ये पास होगी, बट मुझे उम्मीद है हिंदी में फेल होगी। हिंदी में कैसे मार्क्स आएंगे पता नहीं। देखा वो तो टीचर बताएगी हिंदी में कैसे मार्क्स आएंगे। इस बार इसकी हिंदी थोड़ी डामाडोल रही है, बट अदर सब्जेक्ट में आई एम फुली कॉन्फिडेंट इसने अच्छा किया होगा, खासकर मैथ्स। मैथ्स इसका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो ध्वनि ने अपनी मैम के ले लिए चॉकलेट, फाइव स्टार। मैम को फाइव स्टार पसंद है, मम्मी की तरह मैम, जैसे मम्मी को फाइव स्टार पसंद है। तो फ्रेंड्स चलो लेट हो रहा है, इसकी टीचर ने टाइमिंग दे रखी थी, अलॉट कर रखी थी कि उसी टाइम पहुंच जाना वरना मैं रिजल्ट नहीं दूंगी। तो चलो जल्दी जल्दी चलते आ जाओ। ध्वनि डर लग रहा है? थोड़ा सा लग रहा है, मतलब ध्वनि को डर है। रिजल्ट के नाम पे तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं ना ध्वनि। मेरे को बस हिंदी में लग रहा है। हिंदी में लग रहा है, कोई नहीं, जो होगा सो देखी जाएगी। मैंने जिनी को भी यही बोली थी, डरने की क्या बात है जब मम्मा तेरे साथ है ना। तो चलो जल्दी से चलते हैं, मैम से मिलते हैं और रिजल्ट लेकर आते हैं। ओके, हम ध्वनि के स्कूल पहुंचने वाले हैं। हमने गाड़ी थोड़ी सी दूर पार्क की है क्योंकि यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लग गई है क्योंकि सारे पेरेंट्स आए होंगे रिजल्ट लेने के लिए। तो ध्वनि कितनी दुख हो रही है? दुख तो हो रही है फ्रेंड, दुख हो रही है फ्रेंड्स, इसको इस महान आत्मा को दुख हो रही है। चलो कोई नहीं, रिजल्ट तो हम अभी डिक्लेयर करने वाले ही है। चलो चलते हैं ध्वनि के स्कूल। लास्ट डे ऑफ लास्ट क्लास, हाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अपनी चेयर, अपनी क्लास, अपनी मैम, सबको मिस करोगे? यस। कितना? चेयर बहुत कंफर्टेबल है। मैं इसी रूम में बैठती हूँ। इसी रूम में बैठती है? तो फ्रेंड्स ये है ध्वनि की क्लासरूम। अभी थोड़ा क्लासरूम चेंज हो गया है बिकॉज न्यू सेक्शन की तैयारियाँ हो रही हैं। अभी हमारी क्लास थर्ड डी है। ओके चलें अब मैम के पास। तो फ्रेंड्स फाइनली ध्वनि का रिपोर्ट कार्ड है मेरे हाथ में और ध्वनि की टेस्ट कॉपी हिंदी की मेरे हाथ में है जो मैं रिवील करने वाली हूँ घर पहुँच के। तो ध्वनि कितने एक्साइटेड हो अपने मार्क्स देख के? बहुत अच्छा रिजल्ट आया, आई एम टोटली हैप्पी। चलो घर चलते हैं और ध्वनि का रिजल्ट रिवील करते हैं। मेरे को भी नहीं बताया, मैंने इसको भी नहीं बताया है, बट मैम भी बहुत हैप्पी थी और मैम ने भी ये बोला ध्वनि बहुत अच्छा रिजल्ट आया, चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, जिस घड़ी का हमें बहुत बेसब्री से वेट हो रहा था वो आ गई है और अब मैं करने वाली हूँ ध्वनि का रिजल्ट रिवील। और वाकई मतलब हिंदी में भी इतने अच्छे नंबर कैसे ले आई है मेरे को बिलीव नहीं हो रहा। फ्रेंड्स मेरे को नहीं पता क्या है, मैं कैसे बताऊँ? कैसे बताऊँ, मतलब मेरी बेटी ने बहुत अच्छे नंबर लेकर आई है और मुझे बहुत प्राउड फील कराया है। तो सबसे पहले मैं हिंदी की कॉपी दिखाती हूँ आपको, टेस्ट नोटबुक जो इसने हिंदी में किया है। फ्रेंड्स ये है रचनात्मक लेख और ध्वनि ने देखो कितना सुंदर रचनात्मक लेख लिखा है और इसे मार्क्स मिले हैं कितने मिले? 5 out of 5। और ये थी इसकी डिक्टेशन जिसमें 10 out of 10 इसे मिला है। और ये है इसका रचनात्मक लेख जो टीचर ने फिर लिया होगा, 5 out of 4। वेरी नाइस, बहुत अच्छा इसने कॉपी में काम किया है, टेस्ट नोटबुक है। और अब आ गई है रिजल्ट की घड़ी। तो ये है ध्वनि की रिपोर्ट कार्ड। तो ध्वनि के कितने नंबर आए हैं? ध्वनि के इंग्लिश में आए टर्म वन में ए प्लस था, टर्म टू में ए है, ओवरऑल ए, हिंदी में ए ए ए ए ए ए, वाओ। मैथमेटिक्स में ए प्लस और ए, ईवीएस में ए ए ए, कंप्यूटर में ए प्लस। तो ओवरऑल ग्रेड मिला है ध्वनि को ए, वाओ। म्यूजिक आर्ट एंड क्राफ्ट में ए, म्यूजिक में ए और डांस में ए, वेरी नाइस। कॉन्फिडेंस में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हर चीज में ए, सेल्फ डिसिप्लिन, पंचुअलिटी और एंथुसियाज्म सब में। और ध्वनि को ओवरऑल रिमार्क मिला है, ध्वनि इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट हु ऑलवेज कम प्रिपेयर फॉर क्लास, शी इज अ जॉय टू हैव इन क्लास एंड इज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प आउट अदर स्टूडेंट्स, वाओ। कांग्रेचुलेशंस, शी हैज बीन पास एंड प्रमोटेड टू
फोर्थ बी, तो ध्वनि को सेक्शन मिला है बी, क्योंकि सब बच्चों के सेक्शन डिवाइड हो गए हैं। थोड़ा ध्वनि को इस बात का दुख हो रहा है कि उसके फ्रेंड्स बिछड़ रहे हैं, बिकॉज सारे फ्रेंड्स ने संस्कृत लिया है, मेरे बस मैंने फ्रेंच। हाँ, इसके फ्रेंड्स में, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने फ्रेंच भी लिया है, बहुत सारे बच्चों ने जर्मन भी लिया है, और बहुत सारे बच्चों ने संस्कृत भी लिया है, और ध्वनि ने फ्रेंच लिया है, तो सेक्शन डिवाइड हो गए हैं। कोई बात नहीं, न्यू सेक्शन, न्यू क्लास, न्यू टीचर और न्यू फ्रेंड्स। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, ध्वनि का कल क्या आया था? रिजल्ट। और ध्वनि के बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो आज हम आ गए ध्वनि की बुक्स लेने। अजिनी भी हमारे साथ है, वो कैमरा। yes. और ये देखो, मैं ले आई हूँ बैग, क्योंकि इको फ्रेंडली है, हमें बैग लेकर आना चाहिए, और सब अपनी बुक्स लेने जाए तो बैग साथ में लेके जाए। तो चले अंदर। ध्वनि छुटंगी, आपका क्या रिएक्शन है? आप कौन सी क्लास में आ गए? जरा अपने फ्रेंड्स को बताया जाए। फोर्थ क्लास में आ गए। साइंगी, तो बुक्स हम घर जाके दिखाएंगे, अभी पहले बुक्स ले लेते हैं। अच्छा, ध्वनि ऑल सेट फॉर न्यू बुक्स? इतनी एक्साइटेड है, पढ़ेगी कितना वो पता नहीं। वो मैं वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ पे मिल गई है बुक्स, और मम्मी और ध्वनि कर रहे हैं चेक। 10 बुक्स है। ध्वनि पढ़ लेगी इतना? टोटल 12 इसकी नोटबुक्स होनी चाहिए, और 2 एक्स्ट्रा बुक्स। 10 11 ध्वनि पढ़ लोगे आप इतना? ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें क्या करना है, अपने अपने कैरी बैग लेकर आए हैं। बिकॉज सेफ एनवायरनमेंट, यस, सेफ इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट। यस, ध्वनि इसका रखा और चलो अपनी और नोटबुक्स हैं। ध्वनि कुछ काम कर लो, दीदी से बुक्स उठवा रहे हो। मतलब ये क्या है? अपनी बुक्स भी मैं ही उठाऊं? अपनी बुक्स भी। जिनी, ओए जिनी, तेरी बुक्स तो मैंने भी उठवाई थी, ऐसे मत बोल। अब मैं तेरे लिए बड़ी थी तो मैंने तेरी उठवाई। ये देखो, पहलवान सिंह टाइटल फिस हो गई पहलवान सिंह की। इतनी सारी बुक्स अब पढ़नी भी है? अभी तो उठाई नहीं जा रही, पढ़ेंगे कैसे? उठाई नहीं जा रही, पढ़ेंगे कैसे? अभी तो ये हाल है। चलो 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 भैया, बड़ी गर्मी है, अभी से इतनी गर्मी हो गई दिल्ली में डिक्शनरी, लेकिन थोड़ी सी फटी हुई थी, तो इसने कहा मेरे को नई दिला दो। थोड़ी सी नई फटी थी, लेकिन निकल ही गया। हां, लेकिन इस साल ऐसा हाल होना नहीं चाहिए। ओके, ठीक है। अब ये इसकी चालू हुई है यहाँ पे स्कूल एटलेस, और इसमें सारे मैप्स हैं। तो ध्वनि की अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई है SST। ध्वनि ने बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, अब फोर्थ से वो SST पढ़ेगी। एक नया सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। बेटा आप बिग गर्ल हो गई हो, क्या हो गई बेटा? कितनी सुंदर सुंदर है, और ये सुंदर सुंदर राइटिंग में कम्प्लीट होनी चाहिए। वर्क बुक देखो कितनी अच्छी वर्क बुक है। किस किस बच्चे की सेम वर्क बुक है जरा कमेंट करके हमें बताओ, फोर्थ क्लास की। और ये आ गया यूर का प्लस ब्रिंगिंग साइंस टू लाइफ। EVS की जगह पूरा प्रॉपर साइंस आ गई है, मतलब अब इसकी SST भी आ गई है, साइंस भी आ गई है। फ्रेंड्स, COVID-19 आ गया बुक्स में। COVID-19 का चैप्टर आ गया। और ये है ध्वनि की न्यू एंजॉय मैथमेटिक्स क्लास 4। मैथमेटिक्स बहुत मोटी नहीं लग रही? मैथमेटिक्स की बेटा दो है, एक वर्कबुक है और एक ऑक्सफोर्ड।
ऑक्सफोर्ड ही है, लेकिन चैप्टर कितने हैं पहले हम ये देखते हैं मैथ्स में। फ्रेंड्स कौन थर्टीन चैप्टर है फ्रेंड्स, ध्वनि को मैथ्स में 13 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और पढ़ने पड़ेंगे। फोर्थ में ध्वनि का आ गया डेसिमल, पेरिमीटर एंड एरिया, मेजरमेंट। डेसिमल भी आ गया इसका, वही तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। चलो पढ़ा दे। हाँ 21st सेंचुरी इंग्लिश ग्रेड 4। ध्वनि की ये किसकी है, ग्रामर है क्या है? ये है ध्वनि की ग्रामर है, ग्रामर है। ये फ्रेंड्स बुक तो बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं, ये ग्रामर लिटरेचर भी है, दोनों है। यस लिटरेचर भी है, वो कैटेगरी भी है। प्लस एक हमारे पास आ गई हमारी सोशल स्टडीज फॉर जूनियर्स, ये अभी वो नहीं डिवाइड नहीं होगा, वो 6 से डिवाइड होता है। नहीं वैसे इसमें दे रखा है आवर प्लैनेट अर्थ ज्योग्राफिकल बाउंड्री। हाँ मतलब उन्होंने वैसे बुक में डिवाइड कर दिया है, बट अभी ध्वनि के लिए थोड़ा स्टडी टफ होने वाली है। और देखो इसमें देखो हमारे भगवान महावीर की भी फोटो बनी हुई है, तो इसमें मतलब रिलीजियस से रिलेटेड कोई चैप्टर होगा और उसमें होगा अगर। और फ्रेंड्स ध्वनि के लिए थोड़ी सी स्टडी टफ हो गई है, और जो बच्चे फोर्थ में आए हैं वो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना, बिकॉज स्टडी टफ हो जाएगी। ओके और हिंदी, हिंदी से जिससे हमारा कोई लेना देना है नहीं, हिंदी व्याकरण की बुक है ये। व्याकरण ध्वनि व्याकरण, व्याकरण क्या होता है तो ये बताइए इंग्लिश में। व्याकरण ही नहीं पता इनको इंग्लिश में क्या होता है, ग्रामर। ओके ग्रामर को व्याकरण बोलते हैं। ये ध्वनि की व्याकरण की फर्स्ट बुक आई है, जिसमें आप जैसे जो पढ़ते थे ना संज्ञा सर्वनाम विशेषण, उसको व्याकरण बोलते हैं। ओके वो सारा इसमें पढ़ोगे आप। और ये है इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर की। फ्रेंड्स ऐसी टफ टफ सी बुक लग रही है मेरे को, लग रहा है टेंसेस आ गए इसके, टेंसेस आ गए, टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे ध्वनि ना। ये भी ग्रामर ही बुक है, बहुत अच्छी बुक है ध्वनि। अभी और जिंदी दीदी पढ़ाएगी आपको, ठीक है? और ये हम हिंदी पाठ्य पुस्तक, मतलब इसकी वर्क बुक है और वो नॉर्मल बुक भी है। इसमें ही चैप्टर्स भी जो रीड करते हैं। हाँ जो रीड करते हैं, और वो इधर कितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बुक रंगीले रंगीले त्योहार पढ़ना आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना आ रहा है। ब्रैकेट विंडोज 11 एंड ये हो गई थी कंप्यूटर की बुक। कंप्यूटर की बुक में इसमें मैं बताती क्या क्या आ गया इसका। कंप्यूटर मेमोरी, मैनेजिंग फाइल्स, क्रिएटिंग टेबल्स, पावर पॉइंट पढ़ाएंगे आपको। पावर पॉइंट फ्रेंड्स मैं बताती हूँ, लॉकडाउन में इतना पावर पॉइंट इतना एमएस वर्ड यूज हुआ है। अच्छा तू बड़ी हो गई, दादी अम्मा हो गई, बच्चों को बताना नहीं पड़ता। मतलब ये था कि हम बच्चों को बताना नहीं पड़ता। फ्रेंड्स ये वाली है आर्ट की, मेरे को ये पता था आर्टिस्ट जूनियर आर्टिस्ट जूनियर आर्टिस्ट हूँ ये वाओ, ये तो बड़ी अच्छी है। पता था ये वाली मिलेगी, ये देखो ओ वाओ, मेरे को पता था ये वाली मिलेगी क्योंकि जो हमारा आर्ट के सर है उन्होंने हमको दिखाई थी। वाओ इसमें सीक्वेंस है, मतलब ये इन्होंने स्कूल वालों ने बहुत अच्छा काम किया, बिकॉज मम्मियों की जान खाते हैं पूरे साल की, ये दे दो और वो दे दो, इस बार उन्होंने खुद ही दे दिया। वेरी गुड फ्रेंड्स, ये तो बहुत सुंदर आर्ट फाइल है। ये देखो फ्रेंड्स कितनी सुंदर इसकी आर्ट फाइल है, स्केचिंग भी है, अमेजिंग, वेरी नाइस। इस बार सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो ये थी ध्वनि की सारी बुक्स, और ये ध्वनि की सारी नोटबुक्स। तो इसमें देखते हैं नोटबुक में क्या एक्स्ट्रा है। वैसे तो नोटबुक नोटबुक ही होती है, वही तो पर ये आर्ट फाइल किस चीज की है, वही तो देखना चाह रही हूँ मैं। ये देखो ये है ध्वनि की आर्ट फाइल, ये ड्रॉइंग स्केचिंग बुक है, ये देखते हैं क्या है। ओह वाओ ये दी है इस बार स्क्रैप बुक। भाई इस बार स्कूल वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि समर वेकेशन में उस स्क्रैप बुक में काम देते हैं और वो हमें बनाना पड़ता है और हमें लाना भी पड़ता है, बट उन्होंने खुद ही दे दी इस बार। वाओ अमेजिंग। अब ये सारी है ध्वनि की सारी नोटबुक, हिंदी हिंदी आपके बेटा सारी हिंदी की होंगी, और फ्रेंड्स मैं बताती हूं मैथ्स भी हिंदी की होगी मेरे हिसाब से। ये वाली मैथ्स की है, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों। यहाँ पे आपको दिया हुआ है मार्जिन और यहाँ पे दी हुई है क्राफ्ट कॉलम, मतलब जो मैथ्स में क्राफ्ट होता है ना। फ्रेंड्स इस बार ध्वनि की हिंदी इंग्लिश मैथ सारी सेम सी बुक है, टू लाइन वाली, टू लाइन वाली, टू लाइन बोलते हैं।
स्टोरी आप कमेंट करके बता दो, वन लाइन बोलते हैं टू लाइन बोलते हैं, हम इनको बोलेंगे रूल नोटबुक। हाँ रूल नोटबुक, तो अब ध्वनि को उसमें भी लिखना सिखाना पड़ेगा भैया, इस बार तो मेरे सिर पे बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा है ध्वनि, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। रेडियो रेडियो वो भी कमेंट करके बताओ। हम मिलते हैं आपसे।